ट्वेल्थ क्लास में लड़कों लड़की का मतलब भेदभाव में भेदभाव, मतलब क्या बताएं आप लोगों को, मतलब इतना भेदभाव होता है ना, इतना भेदभाव होता है, इतना भेदभाव होता है, बहुत ज़्यादा भेदभाव पंचूर। कुछ मतलब हम लड़कों ने क्या मतलब धरती पे आके कुछ मतलब गलती ही कर दी क्या? मतलब कुछ हर कोई मतलब मार देता है, हर कोई मारता है। मतलब जैसे हम मिडिल क्लास में लड़की को बहुत तवज्जो दिया जाता है, बहुत तवज्जो, मतलब पापा की परी, पापा की लाडली, पापा की सब कुछ, सब कुछ बहन जो, वो हमको पापा का साण, पापा खुला साण, हम पापा खुला साण है, हम पापा के मतलब बेलोड़ बिगड़े लौंडे हैं, तब बहन जो सब हम ही हैं जो हैं, और वो पापा की परी है, पापा की लाडली, पापा की सब कुछ है, मतलब सब कुछ वो है, कुछ भी वो, उनके बुखार आए, उनको बीमारी आए, उनको कोई परेशानी आए तो कहेंगे बिट्टू क्या मतलब है, क्या बात है, तो भैया उनको देखभाल होगी, पूरा घर का टेंशन होगा, मतलब मिनट मिनट पर उनकी दवाई चाहनी, दवाई लाएंगे अच्छे डॉक्टर से, बढ़िया दिखा के जांच करवा के, तब कुछ सब कुछ मतलब नॉर्मल होगा, सब कुछ मतलब बहुत इससे अटेंशन देंगे भाई, जो कहता है मतलब बहुत बड़ा मतलब कोई उनके पर मतलब बीमारी आ गई है, भले छोटा सा बुखार ही आया हो, जो लड़कों का बहुत ही तेज बुखार आता है, तब ऐसा कुछ नहीं भाई, जो तो पहली बात तो उनको दो गाली सुनाते हैं, ये कह रहे थे गम में नहीं घूमो, ये कमीना हरामी भवाल धमाक, और खूब गाली सुनेंगे भाई जो, फिर इतना ही नहीं, गाड़ी सुनाने के बाद दवाई भी लाएंगे, झोला ठाप गांव के ये जो डॉक्टर होते हैं इनसे भेंचुर, और उनसे लाएंगे डॉक्टर जो एक दो के मार भी चुके हैं, कहेंगे कि अरे ये नहीं मरेगा, लड़का हमारा मर्द है, इनकी दवाई के किसी खा के गलत भी हो गई तो नहीं मरेगा, झोला ठाप डॉक्टर जो गांव में होते हैं उनसे दवाई लाएंगे, और उनसे भी बाद में लाते हैं, पहले दुकानों से फिट लाते हैं गोली 1 रुपये की, कटे फिट में काम चलाओ, डोलो में काम चलाओ, उसके बाद ये जो झूला झूला छाप डॉक्टर होते हैं उनसे दवाई लाएंगे, और फिर दवाई ला के फूक देंगे, खाओ दवाई, वो दवाई लगा के, और मतलब कोई अटेंशन नहीं, कोई पाल नहीं, और खाना वाना मान लो भूख मतलब बुखार में भूख नहीं लगती है तो खाना वाना बन गया नहीं खाए, मुझे इतना गरियाएंगे तुम तो, ये साला मतलब पैदा होकर बड़े मतलब पैदा होकर जिंदगी नरक कर दिए, बीमार कर दिए, दिमाग कर दिए, मतलब बहुत बड़ा मतलब इतना कोसेंगे बहन जो लगता है हमने ही जिंदगी मन की आके मतलब बर्बाद कर दी। वो गाना कैसे ना है, गाना बहुत फिट बैठता है कि ए, अच्छे कुमार का, कि तूने ही मेरी जिंदगी खराब की है, तेरे लिए ही मैंने शराब पी है, पंचर वो गाना ही फिट बैठता है हमारे पर, वही गाना गाते हैं ये माँ बाप, कहते हैं कि तूने ही मेरी जिंदगी बर्बाद की पंचर, नीचे अच्छा खासा माँ बिटिया थी, पापा की परी थी, और कुछ मतलब कहीं जाना हो, कहीं रुपया, हाँ रुपया पैसा में, कहीं जानना हो कहीं रुपया पैसा में, मतलब वो मांग ले 100 200 बढ़िया, हाँ बिटिया खर्च करो, कोई हिसाब नहीं बेचो, वो हमको अगर 20 रुपये सब्जी लाने को देंगे, वो अगर हम उसमें मान लो जी सब्जी ला के 20 रुपये देंगे, वो सब्जी लाने पे 20 रुपये, तो सब्जी लाने देंगे 20 रुपये, और उसमें भी अगर मान लो जिराई करके 2 3 रुपये बचा लिए कि अरे रोटी वोटी खा लेंगे, तो पहनचूर अगर जान के 2 रुपये बचे थे और लाए नहीं, तो इतना घरियाएंगे, इतना कहेंगे, और उनके आज बहुत नहीं तुमको रुपये की प्रॉब्लम नहीं, अपने जब पाओगे तो खर्चा करोगे भाई चोर, तो कहता है हमने 200 करोड़ खर्चा कर दिए, उनके उनके बैंक लुटवा दिए, उनकी जमीन बिछवा दी, भाई साहब भाई चोर बहुत बहुत दर्द फील होता है भाई साहब, बहुत दर्द, मतलब लगता है हम लड़कों की कोई लाइफ ही नहीं भाई चोर, ऊपर से सरकार भी इनकी लड़कियों की मतलब तरफदारी कर रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना,
बेटक मतलब बेटक कोई है नहीं, तो बेटक बेटक बचाने कोई तरीका ही नहीं, बेटक मतलब ना बचाओ, बेटक मरे सारे यहाँ। मतलब भाई साहब, जो जो ये लड़का वीडियो देख रहा है, जो जो ये इससे मतलब ताल्लुक से संबंध रखता है, वो समझ पाएगा कितना दर्द होता है। बहुत दर्द होता है भैया, बहुत दर्द। जब वो देखते हैं उनको, भाई अपनी हाथे खाना पिलाते हैं, सब पिलाते हैं, और सब बिटिया लो बिटिया, दोनों जो माता पिता मिल के, दोनों बिटिया लो बिटिया खा लो बिटिया, अरे ये खा लो बिटिया, ये खा लो, उनके सब कुछ बच्चे हमारे लिए इसे खाना डाल के इसे प्लेट ऐसे खिसका दिया, तेज जैसे भयंकर। हम मजदूर हैं, मजदूरों को भी अच्छे जजन दिया जाता है, लगता है हम प्रवासी मजदूर हैं भयंकर, ले खा ले। भाई साहब मतलब क्या बताऊँ, बहुत बहुत दर्द है इसमें, बहुत दर्द। जिंदगी भर से यही होता है, लड़कों को क्या क्या झेलना पड़ता है उनकी जिंदगी में, झांक के देखो तो पता चलेगा। बेचारे किसी को बता नहीं पाते, रो नहीं पाते, सब कुछ कर नहीं पाते, अरे बहुत कष्ट होता है भाई साहब, बहुत कष्ट, बहुत कष्ट होता है। लफ्जों से बयान नहीं हो पा रहा, आंसू तो निकलने लगे हैं, लेकिन इतना कष्ट होता है भाई, जो इतना कष्ट, मतलब हमारी कोई इज्जत ही हमारी नहीं, ना सरकार की स्कीम चलाती है, ना कोई मतलब हर तरफ से मारते हैं भाई, जो वो पढ़ने में धीम हो, अरे चलो चलो अगली बार पार्ट टॉप कर लेगी, अगली बार कर लेगी, ओ हम बहन जो देख नंबर कम ले आए, ये पढ़ाई लिखाई तो बढ़ गया कि तुमको मंजूरी करवाएंगे, तुमको वो करवाएंगे, ब्राह्मण दिमाग का मतलब हर चीज ही बहन चोद ऐसे बर्ताव करते हैं, लगता है बहन चोद हम मतलब सौतेले लो लड़के उनके, तो उनके लड़के लगता है कभी कभी है ही नहीं बहन चोद भाई, लड़कों का दुनिया में कोई नहीं होता भैया। तो भैया जो जो लड़के हैं सब, हम ये हैं आप लोगों का मामला, कम्युनिटी बनाओ और जय लड़के नारा दो, जय लड़के जय लड़के जय लड़के, और अपना ख्याल अपने हाथे रखो, कोई दुनिया नहीं भैया, पापा की परी, पापा देखते हैं भैया, तुम ना खाओगे तुमको पूछेगा कोई नहीं, तो खाते पीते रहो और अच्छे बने रहो, और एक बस हम ही लोग हैं जो है, हम तुम जय लड़के, जयकारा लगा दो जय लड़के, कम्युनिटी है लड़कों की, टट्टा।